हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ भूपेंद्र एंड वेलकम टू आवर चैनल विच इज़ हाउ टू थिंक। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नॉलेज। इज़ नॉलेज कुड बी स्टोलन, क्या ज्ञान चोरी हो सकता है? तो अक्सर आपने जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है या उससे पहले के जो लोग थे, है ना, आपने कहावतें सुनी होंगी कि सब कुछ चोरी हो सकता है पर ज्ञान चोरी नहीं हो सकता। तो क्या ये आज के टाइम में रेलेवेंट है कि मतलब ऐसा हुआ है या हो सकता है? तो मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। एक फैक्ट्री में एक फर्म थी, उस फैक्ट्री में कुछ लोग काम करते थे। तो उस फैक्ट्री में एक ऐसी मशीन थी जो कंप्यूटर से ऑपरेट होती थी, जिसका एक अलग सिस्टम था, है ना, एक अलग ही मतलब वो उससे चलती थी, एक उसका अलग ही नॉलेज बेस था। तो क्या था, जो उसका इंजीनियर था वो उस मशीन को ऑपरेट करता था जिससे वहाँ का उस फैक्ट्री का काम होता था, ठीक है। तो उसका एक असिस्टेंट था वहाँ पे, जो उस इंजीनियर को मतलब जिसने रखा था वो उसका लीडर हो गया, ठीक है। तो जो उसका असिस्टेंट था इंजीनियर का, तो वो उसके साथ काम करता था। तो धीरे 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 क्या हुआ, वो जो सारी स्किल्स थी उसका, जो उस इंजीनियर की जो नॉलेज थी वो उसका जो असिस्टेंट था, जो कि उतना नॉलेजेबल नहीं था, है ना, कि जो उसको चला सके, पर उसने धीरे धीरे सीख लिया उसको। फिर क्या हुआ कि उस असिस्टेंट और जो लीडर था उसकी साठ गांठ से क्या हुआ, उस इंजीनियर को फायर कर दिया गया, मतलब निकाल दिया गया, क्योंकि अब वो उस चीज़ को ऑपरेट करने के लायक हो गया था, वो सारी चीज़ें सीख चुका था, अब वो कम पैसे भी लेगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, अब आप इसको देखिए कि अब इसको आप क्या मानेंगे, कि इसको कि ज्ञान चोरी हुआ है, उसकी नॉलेज की चोरी हुई है या उसकी स्किल्स की चोरी हुई है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप डिसाइड करिएगा। बट ये क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है, ज्ञान नॉलेज चोरी हो सकती है? अब देखिए, उस इंजीनियर के साथ तो मुझे तो लगता है कि ऐसा कहीं ना कहीं हुआ है ना। अब उसको तो निकाल दिया गया, अब ये क्यों निकाला गया, यहाँ पे बेसिस था कि भाई उतना उसको पे करना पड़ता था क्योंकि उसके पास नॉलेज थी वो। अब वो जो बंदा था असिस्टेंट था, उसको तो कम पैसे में वही काम कर रहा है। तो मेरा ये क्वेश्चन रेज करने का या इस पे सवाल करने का एकमात्र रीज़न ये था कि मैं आपको एक ऐसा मतलब कारण दे सकूँ जिससे हम ये सोच सकें कि क्या सच में ये कहावतें आज के टाइम में रेलेवेंट हैं कि नहीं, कि ऐसा भी हो सकता है कि पहले नहीं होता होगा, ऑब्वियस सी बात है, पर आज चीज़ें क्या है थोड़ी नहीं काफ़ी बदली हैं, तो ऐसा हो सकता है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू।